अच्छा हाँ तक किताब मुई दिसो एक्सरसाइज नंबर 8.1 एक आए जो किताब आ सतें क्लास ठीक आ सतें क्लास जी ये जो रियाजी आ अस पे असा सीखी आया थे पे अस इन मल सीखी आया हूँ ना 2x + x या है एक रकम की जोड़ ठीक आ मुझे ख्याल में तुम मुझे पॉइंट समझदा हों ये भी एक रकम आ ये भी एक रकम आ ये बई अलग अलग इन जोड़ अस ये दई सकन पे एक्स ए 2x के जोड़ के हाँ हि अलग रकम आ हि अलग रकम आ इनकर ये बिन की छी एक रकम की जोड़ ये अस सीखी आया ये घड़ो थी वो 3x थी वो वरी बो हों एक रकम की घण रकम से मिसाल तुम 2x + 3y + 4z हाँ यह एक घण रकम आ ठीक है बो रक बी अस दर्जो आ 4x हाँ चल इन बिन्न के पा में जोड़ कर असा कहे 2x + 3y + 4z रखा से ये 4x जो ये एक्स वे हेठों ही रखता थे जारी गल ऐसो ये बी रकम आ एक रकम ही इन में वे x, y, z ना सो अस इन बिन्न के पा में जोड़ कहे ये 6x + 3y + 4z थी वो सॉरी 4z थी वो ठीक हाँ ये हुई एक रकम की एक रकम से जोड़ ठीक है ये हुई घण रकम की एक रकम से जोड़ ठीक हाँ ब कैटेगरी माना सिंगल जी सिंगल सा इत वरी हुई घण रकम की मतलब जो पोलिनोमल्स की जो एक रकम से हाँ वरी होंगी घण रकम की घण रकम से जी पा सीखी आया हूँ मिसाल वो 7x + 2z + 3y इन में 4x + 3y + 2z ऐसो हाँ इन जो बेहतर तरीको तक चयम तो हों उमूदी तरीको यानी पे दर्जो लिखो ऐसो इन में ट्रिक दिनल आ अच्छा तुम इनके अल्फाबेटिक ऑर्डर में चेंज कर वो तो बेहतर आ छो तुम पढ़ी आया हो तो इन में मटा सटा वाली खासियत होंगी उनका जोड़ करण में आसानी थी हाँ स्टूडेंट इन में गलती कह चलो सेम रखा 2z + 3y हाँ बो दर्जो इन हेठों लिखा से 4x + 3y प्लस जो 2z हाँ इन में उलती कह तो इनके तो पा में जोड़ कह घो थी 7, 11, 7, 4, 11x इन में वही भुल में इनके गलती कर वाइनो तो हे जेड आ हे वाय ये एक जड़ा ना जैसे तो हे वाय इन मतलब आ सिर्फ असि तरतीब अगत वाय वे से जोड़ थी 3y + 3y घो थी वो 6y हाँ जेड वे से जोड़ थी 2y + 2y बया घा वा सॉरी 2z + 2z घो थी वो 4z थी वो आई होप तक ये पॉइंट समझ में अच्छी होंगे कदें कदें इन टाइप जो क्वेश्चन दी तक ब्लफ कह यानी जेड वाली रकम अग में रखी अं वाय वाली रखी अं इन में वही वाय अग में जेड पोस पर ये ना अगत कर पा में जोड़ कर वाय वे से जेड वे से ही ठीक है हाँ यह हुई घण रकम की जोड़ हाँ तक किताब में जो तुम बुक में दिनल ये ही तक कुछ कर दिखारा ऐसो ये चल आ 5a + 8a अस सिंपली इतने प्लस दींदे 5a + 8a घना थी वा 13a इतने ऐसो a + a विच में सिंपली प्लस दींदा घो थी वो 2a इतने ऐसो माइनस जहा 12x माइनस जहा 2x हाँ इतो ऐसो माइनस जहा 12x माइनस जहा 2x हाँ चल इन जोड़ इन मतलब अस इन हि रखे ऐसो इतों तो 12x सागो आ बार अची वो इतने प्लस इंटू माइनस माइनस 2x थी वो या ये खड़ी चौं जो मुंड में हुए 12x माइनस 2x हाँ तबर आ जैसे भी बेस सेम हों तो अस रखी कर यानी इन मतलब इतने एक्स रखता सिर्फ कोएफिशिएंट जोड़ या कट कह ये भी माइनस जो 12 है ये भी माइनस जहा 2 है इन मतलब ये बई एक जड़ा घोड़ा और गड़ा वो एग्जाम्पल तक याद आ सो कटे सटे ये माइनस जहा 14x थी वा ठीक है जैसे इतने चल हो इन सागी रकम के पा में कट कर माइनस जहा 12x चल हो माइनस जहा 2x हाँ इनके मतों चल हो कट कर तो अस इनके अलग डिंगी में रखा इनके अलग डिंगी में बहर रखा माइनस हाँ ये तो सागो माइनस जो 12x अची वे छो इन बहरों कुछ ना माना प्लस आ प्लस इंटू माइनस माइनस सेम अची वे इतने ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई थे माइनस इंटू माइनस प्लस 2x थी वे हाँ एक प्लस जो एक माइनस जो बेस सेम तन सिंपली कोएफिशिएंट जोड़ कट थी सागा होजन ना तो अस 14x लिखा या माइनस जहा होजन तो माइनस जहा 14 हाँ छोड़ो कर निशानी बी भी आ सो 12 में ब कट थी घना बचदा 10x पर माइनस जहा 10x बचदा आयो तक ये पॉइंट समझ में अची वो सिंपली जोड़ चल हूँ तो उनके अलग डिंगिन में रखी विच में प्लस दी जी हाँ इन में ऐसो मैं पेज मटाया अच्छा हाँ इन में ऐसो तो ये किताब में तक दिखारा किताब में 9ab माइनस 7b ठीक है हाँ इनके जोड़ कर
ठीक है। उन वरी दर्जो खाँ ये अठ वाय टे वाय चार वाय टे दर्जा दिनल पर टई अलग अलग ये सब एक रकमियों ठीक है। छो जो अलग अलग ये छाइन एक रकम उन्होंने चयल है जोड़ वरी तुम ये क्वेश्चन नंबर फोर खड़ी कर दिखारो ठीक है। हाँ इन में ए बी प्लस फोर सी डी प्लस सिक्स ए डी ये तो कामा दिनल है मतलब है ये दर्जो अलग आ वरी ये पोली नंबर हाँ ये घन रकम की जोड़ ठीक है। हाँ टई मैं दिखारा तो पो छो कर चयल है सभी में जोड़ कर असा सिंपली इनके डिंगी में रखदे इनके भी डिंगी में रखदे विच में रखदे प्लस ठीक है। हाँ इनके उमूदी तरीके से कौ तो अना आसान थी पे ये सिखारा तो नाइन ए बी हाँ प्लस इंटू माइनस माइनस सैवन ए बी थो हाँ ये प्लस जो नव ए बी ये माइनस जो तक खबर आ अंग अंग से कट थो यानी ए बी तो सेम आ तो सागो रखदे हाँ सिर्फ ये समझो थोड़ी देर दिला है ही ना सिर्फ प्लस नाइन माइनस सैवन ये भी तुम बोर्ड मार्क्स में सीखी आया कटे सटे प्लस जो बचे तो प्लस लिखने की जरूरत ना टू ए बी आकिन उमूदी तरीके से कौ नाइन ए बी ए माइनस जो सैवन ए बी ठीक है। सिंपली अंग अंग में कट थो तो हिसाब थी न नव में ब वा घा बच सतन में वा बच था टू ए बी इन जवाब ऐसो सेम आयो हाँ इतने टे रकमून सो अस कें इन टिन के अलग डिंगिन में रखी कर विच में हणदे प्लस ठीक है। हाँ इन मतलब है प्लस इन अगे बहरों कुछ भी ना ये खड़ी समझो ये प्लस इंटू प्लस प्लस एट वाय अगे कुछ ना प्लस इंटू प्लस प्लस थ्री वाय इतने ऐसो तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस फोर वाय हाँ सिंपली छोड़ो कर बेस सभी जो सेम आने अस जोड़ कट कह ये समझो थोड़ी देर दिलाए तो ये बेस सेम आई तो अस रखूँ तो जवाब में वाय तो ठीक है। बेस के हथ नाइब न सिर्फ अंग जोड़ कट थी हाँ बोर्ड मार्क्स में सीखी आया तो प्लस एट प्लस थ्री ए माइनस जो फोर ये बई छोड़ो प्लस जहाँ ये पा में एड थी वा अठों टे यारह इन चार जो असो कट थी सो घा बचदा सत्त बचदा ठीक है। घा बचदा सत्त सो ये सैवन वाय मन अठ वाय और टे वाय पा में जोड़ थी वह इलेवन वाय माइनस जो फोर वाय इन कट थी कटे सटे सैवन वाय प्लस जो बचद ये तो असो आंसर ठीक है। हाँ ट्रेन से अचो इनके उमूदी तरीके से क्या तो यानी इन मतलब है ऐसो ये पे ये दर्जो लिखी वेंदुम प्लस फोर सी डी प्लस सिक्स ए डी ठीक है। इनमें ए बी सी डी ए डी इनके रखने में ध्यान रखो हाँ ये इन हेठों लिखदे एट ए बी ऐसो ए बी वो ए बी जैसा जैसे अगते पे हुए भी आ ना तो तरतीब दे लिख दो जैसे बिलफर्द मिसाल फाइव सी डी हेडे लिखल हुए तो फाइव सी डी अगते खड़ी अच सो पो जो टू प्लस थ्री ए थ्री प्लस टू गाल सागी ठीक है। हाँ ये फाइव सी डी थी वो सिक्स ए डी थी वो हाँ सिंपल जो एक जड़ा पा में जोड़ कह जगह कोएफिशियंट ना मन वा इन मतलब है ये टोटल नव ए बी थी वा ये भी टोटल नव सी डी थी वा नाइन सी डी सिर्फ दिसो ना बेस सेम आ सिर्फ कोएफिशियंट जोड़ कदे ये घना थी वा प्लस जहा बारह ए डी थी वो ये असो आंसर है। आई होप पॉलीनोमल्स की जोड़ अची वही यानी एक रकमी की एक रकमी से वरी एक रकमी की घन रकमी से वरी घन रकमी की घन रकमी से ये सब जोड़ू तक सेखारे वो घन रकमी के इंग्लिश में चोबा पॉलीनोमल ठीक है। स्पेल थोड़ो ऐसी वो जहाँ ग्रुप में जो बो या टो नंबर लेक्चर मोकिल उनमें इंग्लिश में हेठों लिखी है वह स्पेल ऐसी कर लिखी वह करेक्ट अव हाँ ऐसो एक बो समझाया अज मां मूड में आ रात जो मुझे ख्याल में एक डेढ़ थी पर अना तक पढ़ाया तो ठीक है। हाँ इन में तो ये ऐसी सोता पाया पॉइंटन में दिनल हाँ इन में तेज डबल स्किल्स चेक कन एक तो ता तो तक पॉलीनोमल्स इंदा या न बो दहाई की जोड़ इंदी है या न दहाई की जोड़ बिल्कुल आसान होंगी है ऐसो जैसे फोर पॉइंट फाइव प्लस थ्री पॉइंट सिक्स आने मतलब अस फोर पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स दहाई के हेड़ों वो दहाई के हेड़ों वे से जोड़ थी दहाई के हेड़ों वा हेड़ों वन से जोड़ थी पर उनमें ऐसो जी पंज छह यारह विच में दहाई पैं जगह अग में दई छो हाँ यारह है ना यारह न लिखद एक हेड़े खड़ी एक हेड़े खड़ी वो एक इत लिखद एक वो हेड़े खड़ी जोड़ में जी ठीक है। हाँ चार और एक पंज टे घो अठ एट पॉइंट वन थी वो ठीक है। इं हुई दहाई की जोड़ हाँ जो पॉलीनोमल्स अचो तो उन्होंने जोड़ क्यों था ये वीडियो लंबो थी इनके पास क्या तो या खत्म क्या तो नेक्स्ट वीडियो में तक आखिरी में ये सिखारा तो होमवर्क कजो।